चाहे होली का त्यौहार हो या दिवाली हो या फिर तीज त्यौहार, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल पड़ते हैं जिसमें हम ये गुजिया जरूर बनाते हैं। और बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं कि गुजिया बनाने का परंपरा रहता है हमारे यहाँ। तो इस टाइम होली का त्यौहार चल रहा था तो मैंने ये गुजिया बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। ये रवा का है, जिसे सूजी भी बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं। तो मैंने ये फ्लेम ऑन किया, कढ़ाई रखा, थोड़ा सा घी डाला और रवा को मैंने हल्का ब्राउनिश होने तक भून लिया है। उसके बाद ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं उसको आप बारीक कट करके डाल दें। फिर उसमें मैंने महीन जो चीनी आता है, जिसे खिलावल चीनी बोलते हैं, वो डाला है। और फिर मैंने क्या किया कि अगर आपके पास मावा अगर थोड़ा सा है तो आप क्या करें, एक बाउल लें, उसमें ये मावा डालें। मावा डालने के बाद थोड़ा सा अगर पानी डालना है तो पानी डाल लें और ये जो खिलावल चीनी है वो डालकर अच्छे से मेल्ट होने तक छोड़ दें। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो ये रवा में आप ये सारा जो मावा है धीरे धीरे करके डालकर और हाथ की मदद से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लें आपस में, और अच्छे से मिक्स करें ताकि हर एक रवे के दाने में ये जो हमारा मावा है वो अच्छे से जाकर घुल जाए, मिल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। देन आपको क्या करना है, आपको लेना है मैदा। मैदा लें और उसमें आप घी डालें, जितना आपका मैदा है उसके अकॉर्डिंग आप घी डालें। तो मैंने यहाँ पे घी डाला, घी उतना ही डालना है कि ताकि जब हम ये जो मैदे को जब हम लड्डू की तरह अपने हाथ में लेना तो वो लड्डू जैसा शेप ले ले, तो उतना आपको घी डालना है। तो घी डालने के बाद इसको पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक नर्म आपको डो तैयार कर लेना है। फिर क्या करना है, आपको छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद आपको इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है, पूड़ी जैसा आपको रोटियां बना लेनी है। तो पतले पतले बनाने हैं, ज़्यादा मोटा सेप आपको नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा ना, जब आप गुजिया छानोगे ना तो गुजिया फ्राई करने के बाद वो मोटे मोटे इसके लेवर अच्छे नहीं लगते हैं, और ज़्यादा दिन अगर हो जाता है ना एक हफ्ते बाद तो वो खाने में बहुत कड़कपन आता है। तो हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग रहते हैं तो वो भी नहीं खा पाते। तो पतले पतले आप रोटियां बेलें और ऐसा वाला आप गुजिया मेकर ले लें और इसमें पहले आटा लगा लें, जो मैदा है ना ये मैदे में ही इसको लगा लें ताकि हमारा जो रोटी है पूड़ी है वो मैदे की वो चिपके ना। फिर आपको उस मेकर पे पूड़ी रख लेना है और फिर आपको देन ये जो हमने मसाले तैयार किए हैं गुजिया वाला, उसको क्या करना है, भर लेना है। तो अच्छे से पूरा भरना है ताकि पूरा एकदम भरा भरा रहे, खाली खाली गुजिया ना लगे, खाने में टेस्ट उसका अच्छे से आए, हमारे मुंह में घुल जाए। तो इसको फिर क्या करना है, दोनों मुंह को दबाकर अच्छे से हल्के हाथ से निकाल लेना है, बहुत आराम से निकालना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है झटके से इसके जो आटे हैं वो मेकर में चिपक जाते हो और ये खुल जाता है। तो ध्यान रखें अच्छे से इसे लगाएं, आटे लगाकर, आटा जो है आपको लगाकर करना है ताकि इसका मुंह ना खुले और चिपके ना, ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से सारा गुजिया आपको तैयार कर लेना है। आप चाहो तो गुजिया मेकर से भी बना सकते हो या फिर हाथ से भी आप किसी भी अच्छे डिज़ाइन में आप फोल्ड कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको सारा गुजिया तैयार कर लेना है। फिर क्या करना है, आपको फ्लेम ऑन करना है और कढ़ाई रखनी है, उसमें डालना है ढेर सारा तेल। तो यहाँ पर आप रिफाइंड तेल का यूज करें या फिर मूँगफली तेल यूज भी कर सकते, तिल का भी तेल यूज कर सकते, सोयाबीन, बहुत सारे रिफाइंड ऑयल आते हैं आप उसे यूज करें। तो डीप बहुत सारा तेल आपको ढेर सारा डालना है ताकि गुजिया उसमें डूब जाए, ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। फिर आपको क्या करना है कि जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाए अच्छे तरीके से, गर्म होने के बाद आपको फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, मीडियम कर देना है, और फिर आपको सारा गुजिया बारी बारी करके डालना है। छोटी कढ़ाई है तो 5-6 गुजिया एक साथ बनाएं, और बड़ी कढ़ाई है तो उससे भी ज़्यादा आप डाल दें, बट इतना ज़्यादा ना डाल दें कि इकट्ठा भीड़ हो जाए कढ़ाई में और जो हमारा गुजिया का सेप है वो चेंज हो जाए या फिर टूट जाए, उसका मुंह खुल जाए, तो हमारा तेल तो बर्बाद होगा, गुजिया के साथ साथ तेल भी बर्बाद हो जाएगा, उसके मटेरियल बाहर आ जाएंगे तो तेल में, तो वो तेल भी ख़राब होने लगता है, कालापन में आने लगता है। तो बहुत ही धीमी आँच में आपको तो ये सारा गुजिया आपको पका लेना है। तो ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना है, ऐसा व्हाइटिश कलर में रहे। तो आप अच्छे से सारे गुजिया को बारी बारी कर करके थोड़े थोड़े गुजिया डालकर आपको पकाना है। बहुत भीड़ मत मचा दीजिएगा, नहीं तो भीड़ में अक्सर
अपनी जो टांगे हैं हाथ है ना टूटती है, तो ऐसे गुजिया का भी कुछ ना कुछ टूट ही जाएगा और तेल भी अपना बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा गुजिया आप छान लें, और छानने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में, वेट वेट वेट, पहले इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा ना गुजिया, उसके बाद आपको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें। आप इसे एक महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। गुजिया तो होली का स्पेशल स्नैक है जो घर घर में बनता है, और बहुत लोग चाव से इसे खाते हैं, प्रेम से खाते हैं, और इसके खाने का आनंद ही अलग है। तो कम मावे में इस तरीके से गुजिया बना कर देखें, बहुत ही यमी है, लोगों को पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। इसके अलावा आप इसे दिवाली है, रक्षाबंधन है, तीज है, ईद, मुहर्रम, रमज़ान, किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर इसे आप खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी बनाकर आनंद लें।